इधर भोपाल शहर में जमीनों के दाम तय करने को लेकर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जमीनों के दाम बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये तय किया गया है कि जिन क्षेत्रों में बढ़े हुए दाम पर जमीनों की खरीदी बिक्री हो रही है उन क्षेत्रों में जमीनों के दाम और बढ़ाए जाएंगे। 150 से अधिक क्षेत्र व कॉलोनियां सामने आई हैं, जहां पर गाइडलाइन से हायर वैल्यू यानी अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। संपदा ई पंजीयन भोपाल के ऐसे क्षेत्रों की सूची जिला पंजीयन कार्यालय को भेजते हुए उसकी सक्षमता से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला मूल्यांकन समिति उन क्षेत्रों में जमीनों के दाम बढ़ाने का फैसला करेगी। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में कलेक्टर महोदय ने वहाँ आमंत्रित किया था, क्योंकि सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री जी ने मुझे नॉमिनेट किया, क्योंकि उसको रेटों को रिवाइज किया गया है। ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी होगा, तो एक बार से अधिक बार वहाँ मूल्यांकन समिति बैठ करके इसको विचार करके अपने सुझाव केंद्रीय टीम को देने वाली है। तो केंद्रीय टोली बैठ करके उस पर विचार करेगी कि कौन से रेट फाइनली लागू होंगे। तो ये केवल भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के ये मूल्यांकन समितियां विचार कर रही हैं, तो इसलिए प्रदेश उसको तय करेगा कि प्रदेश की टीम की कहाँ किस रेट की वहाँ होना चाहिए, क्योंकि कई जगह बाजार दर से ज़्यादा कीमत पर, कलेक्टर रेट से ज़्यादा कीमत पर वहाँ जमीनें बेची और खरीदी जा रही है। भोपाल के 47 से अधिक क्षेत्र ऐसे सामने आए हैं जिनमें गाइडलाइन से 1.5 से 2 गुने दामों में रजिस्ट्रियां हुई हैं। इनकी जांच की जा रही है कि हायर वैल्यू पर रजिस्ट्री कराने के पीछे क्या कारण है। कलेक्टर गाइडलाइन बनाने से पहले हायर वैल्यू में हुई रजिस्ट्रियां की जांच कर कारण सहित रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि जमीनों के रेट बढ़ाने में दिक्कतें न हो। हालांकि जिला प्रशासन इन क्षेत्रों का खुलासा नहीं कर रहा है। INH न्यूज के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।